हम इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री में हैं। यह इसराइल की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों में से एक है। भारत की सशस्त्र सेना यहाँ बनाए ड्रोन्स का सालों से इस्तेमाल कर रही है। भारत हमारे लिए दोस्त की तरह है, हम उन्हें ग्राहक की तरह नहीं देखते, हमारा उनसे लंबा सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भारत के दौरे की सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत के साथ रिश्ते को एक बार फिर से मजबूत करना, क्योंकि हाल में दरार देखने को मिला है। उनकी चुनौतियों में एक आसानी जरूर हो सकती है, वो है डिफेंस का क्षेत्र, जहां भारत को इसराइल की जरूरत है। यरूशलम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में हुए वोट में भारत ने इसराइल के खिलाफ रुख किया और पिछले हफ्ते भारत ने इसराइल के साथ $500 मिलियन की लागत का रक्षा का सौदा अचानक रद्द कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसराइल को इससे बड़ा झटका मिला है। भारत और इसराइल की मोहब्बत में दरार पैदा हो रही है। हालांकि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया था तो दोनों के बीच की गर्मजोशी मुझे बनावटी नहीं लगी, मुझे वो बिल्कुल असली लगी। स्थानीय मीडिया के कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भारत जाने की जरूरत क्या थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि रोमांस अभी बाकी है। दोनों ही राष्ट्र जो हैं, जहां तक मुझे बात होती रही है यहां पे लोगों से मिल करके जो सुनता रहा हूं दोनों पक्षों से, उसमें ये स्पष्ट है कि एक ना कहीं इस बात का एक्सेप्टेंस है दोनों ही तरफ कि हमारे इंटरेस्ट अलाइंड हैं बहुत सारी चीज़ों में, और भारत इसराइल को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर पहले भी देख रहा था, खास करके कारगिल युद्ध के बाद, और आज भी देखता है। रक्षा के अलावा आपसी व्यापार भी कई सालों से $5 अरब से अधिक नहीं बढ़ पाया है। दोनों देशों के व्यापारिक कल्चर में फासले लंबे हैं। When Israelis come to India, they expect Indians to work as they are used to. इसराइल तेजी से काम करने का आदी है और भारत के साथ भी वो वैसी ही उम्मीद करता है, लेकिन भारत में खासी अफसरशाही है, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइल के पास संयम नहीं है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 80 लाख आबादी वाले इसराइल के लिए 1 अरब से अधिक आबादी वाले भारतीय मार्केट को समझना आसान नहीं है। यहाँ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की निजी केमिस्ट्री दोनों देशों के रिश्ते में रोमांस तो वापस ला सकती है, लेकिन असल चुनौती रिश्ते में स्ट्रेटेजिक गहराई लाने की है। जुबैर अहमद, BBC News, यरूशलम।